कहा जाता है एक रात में ये पूरा मंदिर बन के तैयार हुआ था। जय श्री राम। मैं पूर्ण यादव अयोध्या से, तो अभी हम हैं वृंदावन में। तो आज हम आपको दिखाते हैं वृंदावन का भूतिया मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी लोग जानते भी होंगे। वो गोविंद देव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और भूतिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमें बाकी बिहारी से थोड़ा सा आगे और चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो प्राचीन मंदिर, वो ऐतिहासिक मंदिर, उसका आर्किटेक्चर और उसकी जो बनावट है काफ़ी भव्य है और काफ़ी सस्पेंसिव है, मतलब सस्पेंस भरा है, बहुत रहस्यमयी है। तो चलिए हम चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं और चलेंगे इसी गलियों से और आपको दिखाते हैं। और इस वृंदावन में आपको बहुत ही प्राचीन प्राचीन मंदिर पड़ जाएंगे। इधर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से सब है, और जो पुरानी मंदिर है इसी गली में पड़ता है। आप बाकी बिहार इधर सीधे आएंगे या मैप कर लेंगे या ऑटो वगैरह टैक्सी वगैरह सब आते हैं यहाँ पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बस स्टैंड और डाकघर भी वगैरह इसी साइड में है वृंदावन का। और गलियों में आप देखेंगे भवन वगैरह कितने पुराने पुराने दिख रहे हैं इस साइड में। ये सब पुरानी पुरानी मंदिरें हैं, यहाँ बस स्टैंड है। और हम पहुँच गए हैं गोविंद देव मंदिर, भूतों का जो मंदिर जिसको रखवाली भूत करती है ऐसा कहा जाता है। और औरंगजेब जो था वो इस पर बुरी नज़र पड़ी और इसने इसके चार फ्लोर जो थे उसको तोड़ दिया गया था। इसके चार फ्लोर थे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको तोड़ दिया गया, काफ़ी ऊंचाई पे था। अब इसके कुछ फ्लोर बचे हैं, दो फ्लोर बचे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर में और आपको दिखाते हैं। ये पूरा मार्केट है इस साइड में, इधर देखेंगे आप यहाँ पार्क वगैरह कर सकते हैं गाड़ी वगैरह, और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं मार्केट वगैरह देखेंगे। छोटा आपको पूल पूजा पाठ के सामान मिल जाएंगे इस साइड में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक जो आपको ये मंदिर दिख रही है कुछ इस तरीके से है। और इसकी जो नक्काशी है, इसके जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, लगता ही नहीं कि कोई इंसान बनाया हो, लगता हो कि पता नहीं कौन बना दिया हो। और इसको कहा जाता है एक रात में ये पूरा मंदिर बन के तैयार हुआ था। इस साइड देखेंगे तो बहुत ही है, कॉर्नर से आपको दिखाते हैं, इस साइड से आप देखेंगे तो ये काफ़ी भव्य मंदिर दिख रहा है। और पूरा ये रेड मार्बल यानी जो लाल पत्थर होता है उससे पूरा बनाया गया है, और बहुत दूर तक ये पूरा आपको देखने में लगता है। तो चलिए इसके एंट्री करते हैं और आपको पूरा चारों तरफ का पहले। और इसके इस साइड आप देखेंगे तो इतनी छोटी छोटी जो नक्काशी है इस मंदिर में, देखिए किस तरीके से ये दिखता है पूरा। और बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है, और भी बड़ा हुआ करता था, जो आगरा तक इसका ऊपर का हिस्सा दिखता था, जो अब टूट चुका है, जो औरंगजेब ने था वो तोड़वा दिया था। इस साइड आप देखेंगे तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था और आपको पूरा इसका व्यू दिया था, यहाँ तक ये पूरी मंदिर है। तो इसके अंदर भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अंदर से तो कैमरे से अलाउ नहीं है, बट बाहर की जो व्यू है वो आज हम आपको दिखाते हैं। जो इसकी नक्काशी, जो प्राचीन मंदिर है, किस तरीके से इसको बनाया गया था आप देखिएगा। और कहा जाता है कि ये एक रात में पूरा बन के तैयार हो गया था। जो देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका बनावट जो है आप देखिए किस तरीके से ये है सब। और इस साइड भी देखिएगा, और मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कहीं जोड़ हो गया, कहीं इसका वो है। इधर साइड से आप देखिए देखने में कितना अच्छा इसका व्यू आता है, आप खुद ही जज करिए, कैमरे में उतना जज नहीं हो पाएगा जितना ये रियल में देखने में लग रहा है। इस साइड आप देखेंगे, इधर भी कुछ इस तरीके से पूरा सीन है। यहाँ से आप देखेंगे पूरा यहाँ तक इसी तरीके से है, और पूरा एकदम बारीकी से हर एक चीज़ बनाया गया है। ये सब आप देखेंगे ना, बहुत ही बारीकी से। आप एक बार आइए, एक बार ज़रूर आइएगा मेरे कहने पे, और इसको देखिएगा ज़रूर। और भाई साहब आप देखिएगा पीछे का ये जो हिस्सा है मंदिर का, यहाँ पे छोटी छोटी जो नक्काशी है हमें काफ़ी खूबसूरत लगती है। राजा मान सिंह ने बनवाया था इसको, कहा जाता है। इस साइड का जो नक्काशी आप देखिएगा, ऐसा लगता है नहीं कि किसी इंसान ने बनाया हो, वो भी कितने साल पुराना है ये जो मंदिर है। आप इस साइड में आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा तो इसमें लगता नहीं कि कोई जोड़ हो, आप देखिएगा बारीकी से तो किस तरीके से पूरा इसकी डिज़ाइन है इस साइड में। और इस साइड भी देखिए
दिखने में कितना खतरनाक लुक है। और ये देखिएगा, ये चीज आप देखिए, और आई थिंक ये शायद मंदिर का कुछ हिस्सा होता है ये जो बनाया गया है इस साइड में, और इस साइड भी कुछ इस तरीके से पूरा जो इसकी डिज़ाइन है वो देखिए कितनी बारीकी से। और अंदर कैमरा वाला अलाउ नहीं करते हैं, मोबाइल से हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलते हैं इसके अंदर में जो कहा जाता है भूतिया मंदिर, तो इसके अंदर चलते हैं और पूरा एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस आप इधर देख सकते हैं अंदर का कुछ इस तरीके से व्यू आता है और देखने में कितना अच्छा लगता है। और इसका जो भूतिया मंदिर कहा जाता है इसी तरीके से अब मान सिंह ने इसको बनवाया था। और इस साइड देखिए नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरत है, इस साइड आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर के हिसाब देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये है। तो ये जो व्यू है ना देखने में कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर बहुत ही ठंडा माहौल है, पूरा ये रेड मार्बल से पूरा इसको बनाया गया है इस साइड। और इधर की जो पिलरें हैं कुछ इस तरीके से देखिए देखने में लग रहा है अंदर का जो डिज़ाइन है ना, आप डिज़ाइन में देखेंगे तो ये घंटी वगैरह पूरा बना हुआ है इस साइड में। और इधर साइड ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरा इसका व्यू आता है। और ये मंदिर का पूरा हिस्सा है मेन मंदिर का इस साइड में, तो वहाँ पे हम वीडियो शूट नहीं करेंगे, वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो इस साइड आप देख सकते हैं ये जो नक्काशी है, ऊपर का जो डिज़ाइन है वो जो झूमर आप देख रहे हैं ये झूमर पत्थर से बनाया गया, पूरा पत्थर से, ना कि अगर आप जज कर पा रहे हो तो ये झूमर आप देखिएगा जो झूमर है ये वाकई में बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, मैं इसका कोई जवाब नहीं है। तो गाइस आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको मैंने पूरा डिटेल भी बताया था। और इसके अंदर में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं इस मंदिर में, बहुत निर्माण अंदर में हो रहे हैं, रेनोवेशन हो रहे हैं। और इसमें आरओ का और भी हर एक चीज़ की सुविधा दी जा रही है, पानी की, टूरिस्ट को देख के हर एक चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। इस वृंदावन गोविंद देव जो मंदिर है जिसको राजा मान सिंह ने बनवाया था, और कहा भी जाता है कि ये भूतों वाला भी, ऐसा काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंसानों ने बनाया था। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बनावट है काफ़ी खूबसूरत है। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा करिए, आप शेयर भी कर दिया करिए, बहुत ही करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं वीडियो तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।